नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी पर 5 राउंड फायरिंग किए गए। इनमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी हैं और बाबा सिद्दीकी शनिवार की शाम निर्मल नगर स्थित अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। जब वो ऑफिस से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, तभी पटाखे जलने की आवाज़ आई। पटाखे की आवाज़ के बीच हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सब लोग शोक में डूबे हुए हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या पर अब आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी बयान दिया है। मनोज झा ने कहा कि महत्वपूर्ण ये है कि दिन दहाड़े सबसे पॉश इलाके में ये हुआ है। उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहाँ की सरकार का प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। पूरे परिवार को ईश्वर संभल दे। आसान नहीं होता इस तरह के शोक को बर्दाश्त कर पाना। गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इस तरह के सवाल उठाए। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि ब्रॉड डे लाइट में सबसे पॉश इलाके में, उससे ज्यादा पॉश इलाका मैं नहीं समझता हूं मुंबई में कोई और है। कई अवसरों पर, राजनीतिक सामाजिक अवसरों पर बाबा सिद्दीकी जी से मुलाकात हुई थी और मैं समझता हूं कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है। खैर, ये सारे मामले आने वाले दिनों में होंगे। आज जीशान और पूरे परिवार को ईश्वर संभल दे। आसान नहीं होता है इस तरह के शोक को बर्दाश्त कर लेना। जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी 9:15 से 9:20 के बीच ऑफिस से निकले थे और वो अपने ऑफिस के पास पटाखे फोड़ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी से 3 लोग उतरे और ये तीनों हमलावर अपने चेहरे पर रूमाल बांधे हुए। इसके बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की है और वहीं पे बाबा सिद्दीकी के रूप पड़े हैं और तुरंत उन्हें लावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया हुआ है और पुलिस का कहना है कि जल्दी 3रे संदिग्ध को भी हिरासत में लिया जाएगा। हिरासत में लिए गए जो 2 संदिग्ध हैं वो महाराष्ट्र से बाहर के बताए जा रहे हैं। एक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है और एक हरियाणा का बताया जा रहा है। एक और वांछित संदिग्ध फरार बताया जा रहा है। और इस घटना के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने घटना का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अगले ही दिन सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने इसी साल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। करीब 48 साल तक कांग्रेस का सदस्य रहने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा था कि ऐसा बहुत कुछ है जिसे वो व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कुछ चीज़ें अंत ही रह जाए तो।